कर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जैन दर्शन के यदि कोर्स में यदि सबसे पहले कोई चीज आएगी तो आएगा नमोकार मंत्र। मैंने किसी भी जैनी आदमी की पहचान करनी हो कि ये जैन है कि नहीं है तो लोग उससे एक ही बात पूछते हैं कि भैया नमोकार मंत्र आता है कि नहीं आता है। यदि नमोकार मंत्र आता है तो इसका मतलब वो जैन है। और माँ अपने बच्चे को मंदिर में ले जाकर जब वो जन्म लेता है तो उसका वो प्रोग्राम होता है, क्या कहते हैं उसको, सूरज मंदिर क्या है, तो उसमें भी बच्चे को जब मंदिर ले जाया जाता है तो बच्चे के कान में सबसे पहले कोई चीज़ दी जाती है तो वो नमोकार मंत्री दिया जाता है, उसको नमोकार मंत्री सुनाया जाता है। और आप देखना कि हम सारे मंगल मांगलिक कार्यों में अथवा सारी चीज़ों में हम सबसे पहले नमोकार महामंत्र को याद करते हैं। इसलिए जो नमोकार मंत्र है ये जैनियों का सबसे बड़ा मंत्र है, महामंत्र ये भी कहा जाता है। और इसकी इतनी महानता है कि इसको न केवल दिगंबर अपितु श्वेतांबर समाज भी इसको उतनी आदर देता है। मैंने समग्र जैन समाज में यदि सबसे नंबर वन कोई मंत्र होगा तो कौन सा मंत्र है, नमोकार। मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिस जितने यहाँ लोग अपन बैठे हैं उनमें से किसी को ये मंत्र ना आता हो। मैंने ये तो एक एक जैनी के बच्चे बच्चे को ये तो आता ही है, जिसको ये नहीं आता है तो इसका मतलब वो जैन भी है कि नहीं है ये अपने को कन्फर्म करना पड़ेगा। अब मंत्र तो सबको आता है, कितना शुद्ध आता है अशुद्ध आता है एक अलग बात है, लेकिन मंत्र का क्या अर्थ है ये बहुत कम लोगों को आता होगा। क्या है ये मंत्र, क्या है, कौन बोलेगा नमोकार मंत्र, शुद्ध अशुद्ध जैसा बोलना बोलो सही, कौन बोलोगा, अर्पित आता है नमोकार बोलो खड़े होकर, सब लोग सुनना, यदि कोई गलती हो तो मेरे को बताना बात। हाँ बहुत बढ़िया, कोई गलती की है, क्या गलती, तो इन्होंने अड़ा अड़ा ही तो बोला, अच्छा अड़ा बोला था क्या, अड़ा अड़ा है वो, अड़ा अड़ा है सब में अड़ा है, ठीक है। बाकी अरंताणम भी हो सकता है वो और अरियंताणम भी हो सकता है, दोनों ही मिलते हैं। अरंताणम भी इन्होंने अरंताणम बोला था, अरियंताणम भी मिलता है। अब क्या अर्थ क्या है इसका, अणमों का क्या अर्थ है, नमो माने नमस्कार हो, बहुत सरल सीधा है, अरहंताण माने अरहंतों को, तो अरहंतों को नमस्कार, अणमो सिद्धाणम सिद्धों को नमस्कार, एक दो नहीं बहुवचन है ना, अरहंताणम सिद्धाणम अनंत सिद्धों को नमस्कार, अनेक सिद्धों को नमस्कार, नमो आयिर्याणम आचार्यों को नमस्कार, एक आचार्य नहीं सारे आचार्य, नमो उपाध्यायाणम उपाध्यायों को नमस्कार, और नमो लोए सर्वसावनम, नमो लोए लोए सर्वसावनम, लोए माने लोक में, सब माने सभी साधुओं को नमस्कार। ये इसका सीधा सच्चा अर्थ है। अब इसका जब अर्थ करते हैं लोग तो मैं एक बार मैंने खुद ने अपने कानों से सुना है, इस देश में तो नहीं कहीं किसी परदेश में, कि ये नमो लोए सर्व सावणम का अर्थ है कि नमो लोक के सर्व साधु को नमस्कार। जैन दर्शन कितना महान दर्शन है, इनका मंत्र भी कितना महान मंत्र है। देखो सारे साधुओं को नमस्कार करता है, जैनियों को भी, जैन साधु को भी और अजैन साधु को, सबको नमस्कार कर रहे हैं। लिखा है लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो। तो यदि आज की तारीख में यदि वो हिंदुस्तान में होता तो मैं उससे एक ही बात पूछता कि सब साधुओं को नमस्कार है, तो
क्योंकि आसाराम जी को भी नमस्कार है, साधु तो वो भी कहे जाते हैं, तो उसको नमस्कार है। इसमें लिखा तो है लोक के सब साधुओं को नमस्कार, तो सबका मतलब सब बाबाओं को, चाहे जो कुछ करे वो, है ना, वो साधु कहलाना चाहिए। तो मैंने कहा मैं भी हूँ साधु, आज से मेरा भी नाम साधु, कुर्ते बजाने वाले साधु वो नहीं हो सकते क्या? जब मुकुट वाले हो सकते हैं तो कुर्ते बजाने वाले क्यों नहीं हो सकते? मैं भी साधु हूँ, इसलिए मेरे को भी नमस्कार करो। एक नारियल वारियल लेके आओ जरा, कल से क्लास चालू होने के पहले अपन नारियल चढ़वाएंगे, सबसे पहले नारियल चढ़ेंगे और फिर क्लास चालू होगी। आप कह सकते हो नहीं आप साधु नहीं हो, तो हम क्यों साधु नहीं है? कि आपने वस्त्र पहन रखे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो क्राइटेरिया हो गया ना, कि वस्त्र के बिना, बिना वस्त्र त्याग के मुनि नहीं हुआ जा सकेगा। मैंने वही साधु को नमस्कार किया है जिसके पास में परिग्रह नहीं, तो ये पक्का हो गया ना। इसलिए पहले साधु क्या है ये भी तो अपन पक्का कर लो, लोक के सब साधुओं का नमस्कार हो इससे मना नहीं है, लेकिन साधु का क्या स्वरूप है पहले अपन उस पर भी तो बात करें। साधु को नमस्कार, हम कौन मना कर रहे हैं कि साधु को नमस्कार नहीं, लेकिन साधु किसे कहते हैं पहले ये पक्का करते हैं हम कि साधु किसका नाम। कहने से तो कोई साधु हो नहीं जाएगा, कहने से तो मैं कल से कहने लग जाऊँ मैं भगवान भगवान प्रकाश, तो आप मान लोगे क्या? तो मैं अपने आप को कुछ भी कहूँ, कोई दुनिया वाले कुछ भी कहे, हम उसकी परीक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? कि बिना परीक्षा के ही मान लेंगे? क्यों? अपन बाजार में जाते हैं दुकानदार के तो, अरे बहन जी आप क्या देख रहे हो इसको, ये बहुत बढ़िया आपको माल दे रहा हूँ मैं, आप तो आग मिच के ले लो क्या, और आग मिच के पैसे ही दे दो, दे देंगे उसका आग मिच के। तेरे कहने से क्या होता है? तू तो कह रहा है जो, तब तेरे हिसाब से हर दुकानदार यही कहता है मेरा माल सबसे बढ़िया है, और आप बिल्कुल इसमें 1% भी देखो मत, आप तो बस ले जाओ मजा जाएगा आपको घर पे। क्यों सुनील भैया तो अपन अपन सुनते सबकी है, लेकिन अपन अपना दिमाग लगा के नहीं लगाते। बताओ वो कुछ भी कहे कि मेरा माल बहुत बढ़िया है और A1 है और मैं आपको भाव के भाव ही दे रहा हूँ, भैया जी आपसे तो मैं कमाता ही नहीं हूँ, लेकिन अपने को मालूम है कि ये कैसा बदमाश आदमी है और ये भाव के भाव दे रहा है कि बिना भाव के दे रहा है। अपन मटकी भी लेने जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, इधर से बजाएंगे नीचे से बजाएंगे, सब तरफ से देखते हैं कान लगा लगा के। उन्हें 2 रुपए की मटकी भी खरीदना होती है आदमी को, तो वो मटकी इतनी फोड़ेगा नहीं, मतलब इतनी बजा के देखता है कि ये बराबर है कि नहीं है, कहीं छेद वेद तो नहीं है इसके अंदर। तो लोक में एक नियम है कि आप, हम लोक में 2 रुपए की चीज़ भी खरीदने के अंदर अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं कि नहीं, कि किसी की मान लेते हैं, और करना भी चाहिए। सब्जी भाजी के पास भी जाएंगे वो कह, अरे आप बहन जी ले जाओ, नहीं हम देखेंगे चीज़ है कि नहीं बराबर। तो जिस प्रकार हम लोक में देखते हैं कि एक चीज़ का निर्णय करते हैं, ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी हर चीज़ की परीक्षा की जाती है। ऐसा तो ही नहीं कि हमारे पिताजी ने कहा बेटा ये है चलो ढोक दे इसको, पिताजी के कहने से धर्म नहीं माना जाता। धर्म में भी अपनी बुद्धि का और विवेक का उपयोग किया जाता है, और जो व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग नहीं करेगा वो धर्म के क्षेत्र में भी ठगाया जाएगा। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि लोग संसार में 2 रुपए की मटकी खरीदने जाते हैं तो उसमें पूरी अक्ल लगा देते हैं, सब तरफ से ठोक पीट के खरीद के लाएंगे, 10 दुकान में जाएंगे, लेकिन धर्म के क्षेत्र में वो अपनी अक्ल लगाना ही नहीं चाहते। बोला आप तो बता दो बस क्या है, बस जो होगा हम कर लेंगे, हम अपनी अकल नहीं लगाना चाहते। और जबकि कहते हैं कि धर्म में सबसे ज़्यादा अकल चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें बुद्धि भी उतनी लगेगी। यदि मटकी करा दी टूटी भी आ जाएगी तो कितने का नुकसान होएगा शाह साहब, कितने का नुकसान होएगा? 2 आजकल 2 रुपए की नहीं आती है, 10 रुपए की, 40 रुपए की है, तो 40 रुपए का नुकसान होएगा। छोटी वाली मटकी के अंदर 20 रुपए का नुकसान होएगा। लेकिन यदि धर्म के अंदर अपन ने गलत काम किया तो अपनी श्रद्धा लुटेगी, ज्ञान लुटेगा, चारित्र लुटेगा, और उतना ही नहीं हो सकता अपना धन भी सारा वो लूट ले जाए। धन के नाम पे सब कुछ ले सकता है, धर्म के नाम पे अपना धन भी ले सकता है। तो इसलिए जो है सबसे पहली चीज ये कही,
कि हम जो है उसका परीक्षा से निर्णय करें कि वास्तव में उसमें वो गुण है भी कि नहीं, समझ में। तो इसलिए साधु की अपन परीक्षा करेंगे कि इसमें साधु का गुण है कि नहीं है। यदि उसमें साधु का गुण नहीं है तो हम उसको नमस्कार नहीं करेंगे। इसलिए हमारा नमस्कार तो जिसमें साधु के योग्य गुण है उसी को है, और इसकी हम परीक्षा करेंगे कि उसमें साधु के गुण है। तो अपने समझना पड़ेगा साधु किसे कहते हैं, किसे कहते हैं साधु, पूछो किसी से साधु किसे कहते हैं, बताओ क्या है साधु की परिभाषा। नहीं मालूम है तो अच्छी बात है, मालूम होगा तो दिक्कत होगी, अपने को नहीं मालूम है ना, इसीलिए तो अपन पढ़ने बैठे कि साधु की परिभाषा क्या है। ऐसे ही आचार्य की क्या परिभाषा है, उपाध्याय की क्या परिभाषा है, सिद्ध किसे कहते हैं, अरहंत किसे कहते हैं, अपने हम नमस्कार तो कर रहे हैं क्या, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नमो आणम ताणम कछुण जाणम बाबावात प्रमाणम नमो, ऐसा मैं जानता कुछ नहीं है, अनंत भगवान आप कौन हो ये मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो होंगे, मेरे पिताजी भी करते आए थे तो मैं भी कर ही रहा हूँ। तो ऐसा नमस्कार कुछ कार्यकारी नहीं है जब तक अपन उसका स्वरूप नहीं समझेंगे। अब इसमें एक बात है ना, जैसे क्या कहा लोगों ने कि लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो, तो मैं एक बात पूछता हूँ कि क्या लोक के सब अनंतों को नमस्कार नहीं है, लोक के सब सिद्धों को नमस्कार नहीं, लोक के सब आचार्यों को नहीं, लोक के सब उपाध्याय को नहीं, लोग के सब साधुओं को ही है। साधुओं का मतलब वो सब लगा लिया उन्होंने कि दुनिया के साधु, तो दुनिया के सारे आचार्य भी तो होना चाहिए ना, उपाध्याय भी होना चाहिए, तो फिर ये लोग के सब साधु ही क्यों कहा, लोग के सब आचार्य उपाध्याय क्यों नहीं कहा। एक बात तो पक्की हो गई, आचार्य का जो लक्षण होगा उसको हमारा नमस्कार है, और वो आचार्य चाहे कहीं भी हो, जैसे साधु का जो लक्षण होगा साधु को नमस्कार है, वो साधु जो अपने कसौटी पे खड़ा उतरता है उस साधु को हमारा नमस्कार, और वो एक ही नहीं ऐसे अनेक भी है तो उन सबको नमस्कार। तो लोक के सारे साधुओं को, माने जिनमें साधु बने का लक्षण पाया जाता है, उन लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो। तो क्या ये लोक के सर्व साधुओं को ही नमस्कार हो कि जिसमें आचार्य उपाध्याय अरहंत सिद्ध का लक्षण पाया जाएगा, ऐसे लोक के सब आचार्य उपाध्याय अरहंत सिद्ध को भी नमस्कार होगा, है कि नहीं है। लोक पद जो है लोए सब, वो लोए सब केवल साधुओं के लगेगा कि लोए सब पद चारों के लिए लगेगा, प्रश्न आया मेरा समझ में। लोए सब अपन ने लगाया ना, तो लोए सब अपन ने बोला तो किसमें, केवल सावणम के लिए बोला, लेकिन अपन चार में लगा सकते कि नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, ऐसे कैसे लगा नहीं, अपन अपनी मर्जी से कुछ भी लगा नहीं है ना, लगा सकते हैं कि नहीं अर्पित, नहीं लगा सकते, इधर वाले कह रहे नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लगा सकते, कितने लोग कह रहे हैं कि लगा सकते हैं, चलो हाथ खड़ा कर लो, कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं लगा सकते, शाह जी आप तो पलट गए, एक, चलो अर्पित, और अरे चिंता क्यों कर रहे हो, जो कम माइनॉरिटी जीत जाती है बहुत बार, अच्छा तो इसका मतलब बाकी लोगों को ना ये मतलब है इस लग सब जगह लग सकता है, या ये मतलब है कि सब जगह नहीं लग सकता, बाकी लोगों का आंसर है कितने लोग कहते हैं कि दोनों जगह दोनों ही हो सकता है, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, ऐसे लोग कोई, और कितने लोगों का ऐसा माना है हमको कोई मतलब नहीं है साहब, जो लगे तो लगे नहीं लगे तो हमको समझ में ही नहीं रही आपकी बात क्या कह रहे हो, तो जिनने हाथ नहीं खड़ा किया वो तो वही समझेंगे ना, पर तो इसमें सही बात सही उत्तर ये कि ये लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनवाणी में लिखा है कि लगाया जा सकता है, कहाँ लिखा है आपने पढ़ा नहीं, धौला है ग्रंथ, षटखंडागम ग्रंथ है ना अपना, सबसे पहला ग्रंथ है वो, सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया लिखित रूप में, यदि सबसे पहला कोई ग्रंथ मिलता है तो वो क्या है, षटखंडागम, तो षटखंडागम ग्रंथ का ये मंगलाचरण है नमोकार मंत्र, उस मंगलाचरण का जो व्याख्या की है तो व्याख्या में बात लिखी है कि ये जो लोए सर्व पद है ये आप सभी पदों के साथ लगा सकते हो, तो आप सब जगह लगा सकते हो तो सभी जगह लगा देना चाहिए ना, हमको पता कैसे चलेगा कि सब जगह लगा सकते हैं, आपको सभी जगह लगा देना चाहिए था, आपने एक ही जगह क्यों लगाया, हमको कन्फ्यूजन में डाल दिया, आपको सब जगह लगा के रखना था तो ऐसा बोलना चाहिए फिर, नमो लोए सब अरहंताणम, नमो लोए सब से धाणम,
नमो लोए सब आईण नमो लोए सब उज्जायाणम और नमो लोए सब सावण। बोल सकते कि बोल सकते शाह साहब बोल सकते कि नहीं? अरे तुमने बोला ये बहुत बड़ा पाप किया, बोल तो सकते ही नहीं। तुमने बोल कैसे दिया? तुमने मंत्र बिगाड़ दिया। भैया मेरे मंत्र बिगाड़ दिया, लेकिन उस ग्रंथ में लिखा है कि आप ऐसा बोलो तो उसमें गुण है, दोष नहीं है। क्यों? बहुत अच्छी बात है, लोक के सब अनंतों को नमस्कार, लोक के सब सिद्धों को, ऐसा बोलने में कोई दोष तो ही नहीं बल्कि गुण है। तो गुण है तो आपने क्यों नहीं लगाया? आचार्य से अपन पूछ सकते ना, यदि अच्छी चीज थी तो आपको खुद को लगाना था, आपने तो लगाया ही नहीं, और हमसे कह रहे हो कि लगाओ। खुद आलसी और हमको कह रहे हो कि लगाओ, तो इसमें भी लगाओ, नमो लोए सब अनंताड़म में भी लगाओ, सिद्धाड़म में भी लगाओ। तो लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। तो हमसे तो कहा, उन्होंने खुद ने क्यों नहीं लगाया बताओ? कि देखो इसलिए नहीं लगाया उन्होंने, पहले के लोग कोई बात करते थे तो कम शब्दों में करते थे और ज़्यादा बात करते थे। आजकल उल्टा हो गया, एक घंटे तक आदमी भाषण देगा और बाद में अपन समझे कि इसने बोला क्या, क्या बोलने की क्या गया, इनको भी नहीं मालूम वो खुद को भी क्या बोल गया। अपने नेताओं के भाषण सुनो, हमें देखना है, हम देखेंगे, हम देखते आए हैं, पता ही नहीं क्या बोलेगा, क्या देखते आए। तो वो कम भाषा, अधिक शब्दों में कम बात बोली जाती है, क्योंकि वो नेता को बोलना तो आता ही नहीं, एक घंटे तक आधा इधर का आधा उधर का कहीं का कहीं का बोले। और पहले लोग बोलते थे कम, और कम शब्दों में ज़्यादा बात करते थे। पहले क्या है कि ये सब, पहले प्रिंटिंग प्रेस तो थी, प्रिंटिंग प्रेस तो अभी यही ना, कितने साल पहले, 100 सवा 100 200 साल, जितने साल पहले, अभी यही प्रिंटिंग प्रेस। पहले तो जो लिखे जाते थे वो काय पे लिखते थे मालूम आपको? ताड़ पत्र पर। मैंने जंगल में ताड़ का पेड़ होता था और ताड़ के पत्ते जो है नीचे गिरते थे, और ताड़ के पत्ते होते थे और एक चीज़ की स्याही बनती थी, एक कोई पेड़ पौधे का ही कोई प्राकृतिक कोई स्याही बनती थी, और लकड़ी होती थी, तो लकड़ी को स्याही में डुबो के और ताड़ पत्रों पे लिखते थे। और ताड़ पत्र भी कितने कम होते थे, और ताड़ पत्र की कितनी सुरक्षा करना फिर उसको, नहीं तो वो उड़ जाए इधर उधर। तो वो ताड़ पत्र, एक ताड़ पत्र है और उस पर अपनी बात के लिए जगह कम है, शाही कम है, समय कम है, लोग बुद्धिमान है। तो ऐसे लोगों को कम शब्दों में अपनी बात कही जाती थी, और इसलिए साहित्य में पहले उपयोग होता था आदि दीपक और अंत दीपक। कौन कौन से दीपक? आदि दीपक, अंत दीपक। देखो मैं बताता हूँ, अपना घर है ना, तो आजकल तो अपन सब कमरों में, बच्चे हम क्या करते हैं, इस कमरे में गए यहाँ लाइट पंखा चालू किया, अगले में गया वहाँ भी लाइट पंखा चालू किया, तीसरे में गया अभी सारा लाइट पंखा चालू किया, किसी का फ़ोन बज गया, अरे तुम आए नहीं आज तक खेलने, और बाहर चला गया, वो भी चल गया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, दिया यूज़ करते थे लोग, लाइट तो भी आई, पहले दिया था, तो वो क्या करते थे कि जैसे दिया में तेल लगता है, फ्री में तो दिया लगता नहीं, दिए में तेल चाहिए, तेल भी कम रहता था, खुद विफायस से वो काम करते थे। तो क्या करते थे कि जिस कमरे में बैठ रहे थे उस कमरे के अंदर दिया ले जाते थे, और बाकी कमरों में उसका प्रकाश अपने आप हो जाता था। तो सबसे पहले कमरे में यदि दिया है तो उसका प्रकाश मध्य के और अंत के कमरों में रहता था, ऐसा दिया इस तरह से लगा देते, और मध्य के कमरे में दिया होता था तो उसका प्रकाश आदि के और अंत के कमरों में मिलता था, और अंत के कमरे में दिया है तो उसका प्रकाश आदि और मध्य। तो ये लौकिक आदि मध्य अंत दीपक हुए, मैंने हमने एक में दिया जलाया है उसका प्रकाश आप सब जगह देख लेना। ऐसे साहित्य में भी होते थे अंत दीपक, अंत दीपक मैंने हम अंत में हम उस शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप उसको उसके पहले के जितने भी पद हैं उन सब में आप उसका उपयोग कर लें। ऐसे आदि दीपक होता था, आदि दीपक मैंने हमने फर्स्ट में यूज किया है, लेकिन जब तक ये चीज चलेगी तब तक आप इसका उपयोग अंत तक कर लेना। और मध्य में जलाया, मध्य में रखा है हमने पद, लेकिन इसका अर्थ आप आगे पीछे भी लगा लेना। तो ऐसे ये जो लोए शब्द है ये अंत दीपक है, अंत दीपक माने हमने अंत में रखा है, लेकिन इसके पहले के जितने पद हैं उन सब में भी आप इसको लगा लेना।
बल्कि जब आप अर्थ करो तो अर्थ आप इसको लगाते हुए ही करना, नहीं तो अर्थ बराबर नहीं होएगा। हमने तो एक ही जगह लिखा है, हम बार बार नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? हमारे पास लिखने की जगह कम, समय कम है, इसलिए हमने तो एक बार लिख दिया आपको। अब आप जब अर्थ करो तो अर्थ करते समय आप उसको सब जगह लगा के और फिर उसका अर्थ करना। इसलिए आपके लिए लगाना, उसका क्या लगाना? नमो लोए सवरंताणम, माने लोक के सब अरंतों को नमस्कार, लोक के सब सिद्धों को नमस्कार, लोक के सब आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्वसाधारण। आई बात समझ? तो फिर एक आदमी बहुत होशियार था, उसने कहा बहुत बढ़िया तरीका, शॉर्ट सिंपल। इन्होंने लोहे सब एक बार रखा, उससे शॉर्ट भी हो गया, सिंपल भी हो गया, कितना अच्छा किया। तो एक और आइडिया है मेरा। क्या आइडिया है? कि नमो भी बार बार क्यों लगाओ? एक ही बार बोल अनंताणम सिद्धाणम अयाणम वज्राणम और नमो लोहे सब सब। फिर नमो भी बार बार लिखने की क्या जरूरत? एक ही बार लिखना चाहिए। ऐसा प्रश्न है, प्रश्न करने वाला, दिमाग लगाने वाला तो लगाएगा ही। तो फिर उसका उत्तर दिया कि देखो ऐसा है, नमस्कार जो है वो सम्मान सूचक होता है, और नमस्कार बार बार करना वो दोष नहीं है, वो गुण है। क्या? अपने को कोई ढोक दे, एक बार दे, अच्छा लगता है अपने। और ऐसा तो ही नहीं कि अपने सारे परिवार वाले जितने भी है ऐसा करते ही अपने, अपन तो बराबर एक एक के पाँव लगते ही नहीं लगते घर के अंदर। ये माना नहीं जाता कि एक बार आपने लग लिए तो आप सबके ही लग लिए। नमस्कार तो बार बार होएगा। आप भले ही यदि किसी को पत्रिका देने गए जैसे अपन, तो पत्रिका में तो एक ही नाम लिखाएगा, क्या श्रीमान श्रीमती जो भी नाम, एक का लिख दिया। पत्रिका में सबका तो ही लिखेंगे कि वो बड़े ताई जी, बड़े ताऊ जी, और दादाजी और दादी जी, और पिताजी और माताजी, और काका जी और काकी जी, इतने नाम नहीं लिखेंगे। काका मतलब नाम, इतने 8-10 नाम नहीं लिखाए जा सकते। लेकिन जब जाएंगे और आदि 8 जने होंगे तो ढोक तो सबको देंगे, इनको उनको उनको, पूरी ढोक धोखा ढाकी का प्रोग्राम पूरा होएगा। और फिर उसके बाद कहेंगे हाँ हम इसलिए आए, एक को दे और दो को नहीं दे तो फिर आदमी देख लेता, आपको खबर कर लेता कि अच्छा मेरे को नहीं दी। लोग में ढोक तो सबको अच्छी लगती है, तो ढोक तो सबको दी जाएगी, क्योंकि ढोक जो है आदरवाचक है, सम्मानवाचक है, और बार बार बोला नहीं जाएगा। बोलने में तो एक ही बार बोल दिया समझ लो, क्योंकि लोए सर्व शब्द में ढोक नहीं है, नमस्कार नहीं है। लोए सर्व तो समझने के लिए बात है, और नमो जो शब्द है वो नमस्कार वाचक है, इसलिए नमस्कार तो हम बार बार करेंगे, बार बार कहेंगे नमस्कार। और सब अलग अलग है ना, अनंत अलग है, सिद्ध अलग है, आचार्य अलग है, उपाध्याय सर्वसाधु अलग, एक 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 ही तो है नहीं कोई। तो ये सब अलग अलग होने से नमस्कार तो हम बार बार करेंगे, लेकिन लोए सब बार बार नहीं कहेंगे, क्योंकि लोए सब केवल समझने के लिए कि भैया लोक के सभी अनंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्वसाधुओं को नमस्कार। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है, कितने पद, कितने इसमें? 5 पद, ऐसा सब लोग मानते हैं, जबकि इसमें 5 पद नहीं, इसमें 4 ही पद है। दोहा होता है ना, दोहा छंद, छंद में कितने पद होते हैं? 4। ये भी एक छंद है। कौन सा छंद है मालूम? इस छंद का नाम है आर्या। कौन सा छंद है? आर्या छंद। इसको छंद की तरह ही बोला जाना चाहिए। छंद में 4 पद होते हैं, तो इसमें भी 4 पद है, तो अपने को तो 5 दिखते हैं, और एक कहाँ उड़ा दिया अपन ने। तो ऐसा है कि ये जो सिद्धाणम और आर्याणम, ये एक साथ बोलना चाहिए, इसलिए अपन बोलते हैं तब ऐसा बोलना, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाऊणम। पर सिद्धाणम और आर्याणम ये दोनों मिलके एक पद है, पद तो समझ में आते, हिंदी बड़ी होगी ना, तो एक पद है ये, एक पाद है ये। कौन सा? सिद्धाणम और आर्याणम मिलकर, और अरियंताणम का एक पाद, आर्याणम का एक पाद, और नमो लोहे सवसाणम का एक पाद। ऐसे 4 पाद मिलके, 4 पद मिलके एक दोहा बन जाता है। तो ये दोहा ये मतलब छंद है। कौन सा छंद है? आर्या छंद। और अगले वाले ऐसो पंच नमो यालो, सुनील जी, सुनील जी नींद आ रही है। ऐसो पंच नमो यालो में कितने पद है? 4 उसमें। अब जो लोग ऐसा मानते हैं कि नमोकार मंत्र में 5 पद है,
तो पांच तो उसके मान लिए और इसमें तो क्लियर है कि चार ही, क्योंकि ये तो दोहे रूप में स्पष्ट दिखता है। तो पांच और चार नौ, तो वो कहते हैं ये जो मंत्र है ये कौन सा मंत्र है, पांच और चार नौ है ना, नवकार मंत्र। तो उन्होंने नमोकाल को क्या कर दिया, नवकार, क्योंकि नौ हो गए इसलिए नवकार हो गए, नौ की संख्या से नवकार बना दिए। जबकि ये नवकार से कोई लेना देना नहीं, नौ है ही नहीं पहली बात। तो इसमें यदि पांच भी है तो कितने हैं, दोनों मिला के भी आठ ही हुए, नौ का हुए। वो नवकार में इसलिए है, वो वास्तव में मंत्र जो है वो क्या है, नमोकार। नमोकार माने नमस्कार मंत्र है, ये नवकार नहीं है। नवकार में नमस्कार होता है क्या, और नमो और नमोकार में नमस्कार है, तो ये नमस्कार मंत्र है, नवकार मंत्र नहीं है। क्योंकि न इसमें नौ पद है, उन्होंने नौ पद के हिसाब से उसको नवकार नाम दे दिया। लेकिन नवकार नाम ही क्या है भैया, उसका तो नाम है नमोकार अथवा नमोकार। नमस्कार पद है, नमस्कार मंत्र है, समझ में आया ना, इसमें नमस्कार किया गया है। और नमोकार मंत्र तो केवल इतना ही है, उन्होंने क्या किया, नौ करके संख्या करके ये नमोकार भी रख दिया और साथ में ये सब पंच नमोकारों को भी वो इसका हिस्सा मानते हैं, और इसका हिस्सा मान के पूरे को मानते हैं कि पूरा नमोकार मंत्र है। मतलब यदि आप बोलो इतने ही नमोकार मंत्र, यदि अपन बोले पांच, वो जो पंच परमेश्वरी के नमस्कार ही करें अपन, तो वे मानते हैं कि ये आधा अधूरा ही बोला इन्होंने, और ये महापापी लोग, पापी लोग मतलब इन्होंने गलती करी, मंत्र बिगाड़ दिया, आधा ही बोला, तो आधा ही बोला तो इसलिए इन्होंने पूरा मंत्र नहीं बोला, आधा अधूरा मंत्र बोलते हैं और मानते हैं कि हम नौवां नमोकार पढ़ लेते हैं। जबकि वो मंत्र आधा अधूरा नहीं है, वो पूरा है। कौन सा नमोकार मंत्र, पूरा कंप्लीट है वो, आधा अधूरा कैसे होगा। आधा अधूरा तो तब हो जब वो उसका हिस्सा हो, लेकिन वो उसका हिस्सा है ही नहीं, कि नमोकार मंत्र तो अपने आप में ही पूरा पूरा है। ऐसा पंच नमोकार उसका हिस्सा नहीं, ऐसा पंच नमोयालो तो केवल नमोकार मंत्र की महिमा बताता है कि नमोकार मंत्र क्या है। क्या अर्थ है ऐसा पंच नमोयालो का, याद है किसी को, अरे नहीं ऐसा पंच नमोयालो आता किसको, ये पूछ रहा हूँ मैं, तो ये तो रटा हुआ है, सवाल ही बताओ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शुद्ध बोला उसने, बैठो आए ना ये। अब इसका क्या अर्थ देखो, एसो, एसो का अर्थ क्या है, एसो माने एसो, एसो एसो का क्या अर्थ है, एसो माने यह, संस्कृत है वो प्राकृत, एसो माने यह, एसो पंच नमो यारो माने पंच नमस्कार मंत्र, सर्व पावक सब पापों का पनाश हो नाश करने वाला, सब पापों का नाश। तो मंगलाणम माने सभी, मंगलाणम च सर्वे सिम सभी मंगलों में, परमम प्रथम हवई होता है, मंगलम माने मंगल माने सभी मंगलों में ये पहला मंगल होता है। तो अब इसने तो नमोकार मंत्र की महिमा ही बताई ना, ये खुद नमोकार मंत्र कैसे हो जाएगा, ये तो ये बता रहा है कि नमोकार मंत्र कितना महान है, इसको बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं कि ये नमोकार मंत्र इतना महान, ये महान है, ये महान है। जितनी बार ये महान है उतनी बार बोलने की जगह और नमोकार मंत्र ही बोल लो ना, और यदि ज़्यादा टाइम है तो नौ बार की जगह 27 बार पढ़ लो, लेकिन महिमा तो एक ही बार बोली जाएगी कि इतना महान है। हाँ, उस मंत्र को हम जरूर बार बार बोला जा सकता है, नौ बार 27 बार 108 बार जितना अपने को मन हो समय हो। इसलिए नमोकार मंत्र केवल इतना ही है, ये तो उसकी महिमा वाचक है। अब इसका अर्थ क्या है, एसो पंच नमो यारो, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश कर, क्या बढ़िया मंत्र, सब पापों का नाश कर। मतलब क्या है कि आप जो है कोई पाप करो जिंदगी में, कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नमोकार मंत्र ऐसा है सारे पापों का नाश कर, इसलिए आज से किसी को डरने की जरूरत नहीं। हिंसा भी करो, किसी को चटकू भी मारे, डरने की बस एक बात जरूर ध्यान रखना कि नमोकार मंत्र जरूर पढ़ लेना, नहीं तो पाप नाश नहीं होगा। तो यदि ये पापों का नाश कर देता हो तो फिर पाप करने से डरने ही क्यों, करो खूब आराम से, तो इससे पाप बढ़ेंगे कि पाप नष्ट होएंगे संसार में, बढ़ेंगे। यदि अपने पास में ऐसा साबुन हो कि देखते ही रह जाओ तो अपन मेल से डरेंगे क्या,
बच्चा यदि कीचड़ में खेला बेटा कोई चिंता की बात नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसा साधन है अपने पास सुपर लिंग की चमकार, तो अपने को कोई डर नहीं है फिर किस बात से, मेल लगने से। लेकिन यदि अपने को ये हो कि नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मेल हो सकता है, धुले नहीं धुले कोई भरोसा नहीं है, ये गंदगी मत लगाओ, तो ऐसे यदि नमोकार मंत्र सब पापों का नाश कर देता हो तो पाप करने से कोई क्यों डरेगा? और ये हो कि नहीं ये सब पापों का नाश नहीं करता है तो आदमी डरेगा? तो ये बताओ कि सब पापों का नाश करता है कि नहीं करता है? क्या प्रश्न है मेरा? ये मंत्र सब पापों का नाश करता है कि नहीं करता? अपन ने कोई भी पाप किए हो, मतलब सोमवार से शुक्रवार तक कुछ भी पाप करो, शनिवार को आकर नमोकार मंत्र का पाठ करो, सब पाप धुल जाए। करते कि नहीं करते सब पापों का नाश? ऐसे कैसा कैसे कि नहीं करता है, नहीं करता है तो अर्थ गलत हो जाए, और करता है कह दे तो सब पापों का नाश करता है, तो फिर दुनिया में लोग पाप करने से डरेंगे क्यों? फिर तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे क्रिश्चियन मत के अंदर होता है कि आप 5 दिन कुछ भी काम करो गड़बड़, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन शनिवार और देखो, लेकिन शनिवार और रविवार को 2 दिन जरूर एक काम करो। क्या काम? कन्फेशन, माने पश्चाताप, प्रायश्चित ले लो उसका, अरे हमने ये पाप किए, बस बेटा तेरे सब पाप धुल जाएंगे। ऐसे अपने पास भी हो गया है मंत्र कि तुम 5 दिन कुछ भी करो या 7 दिन कुछ भी करो, अष्टमी के दिन आके एक माला फेरो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो यदि ऐसा होने लग जाए तो दुनिया में पापों की वृद्धि होगी, पाप खत्म नहीं होंगे, पाप बढ़ेंगे। और ये सचमुच ऐसा होने से यदि पाप धुलने लग जाए तो लोग पाप से डरेंगे क्यों? पाप खूब करेंगे। तो ये सब पापों का नाश तो नहीं करता है, सच्ची बात तो ये। क्या यदि पाप नष्ट हो जाते होते नमोकार मंत्र को बोलने से ही, मैंने भूतकाल के भी सारे पाप नष्ट हो जाते, हमने कुछ भी पाप किए हो 5 दिन जिंदगी में और ये नमोकार मंत्र का जाप करने से भी पाप नष्ट हो जाए, तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर दुनिया में किसी को पाप का उदय नहीं आना चाहिए। अपन ने माला फेरी और बाहर निकले, और बाहर निकलते ही अपने को कुछ तकलीफ, समझ चप्पल गायब हो गई, चप्पल गायब हुई है तो पुण्य के उदय से गायब हुई है कि पाप के उदय से? क्यों? चप्पल यदि पुण्य के उदय से होती है तो अभी निकलवा देते हैं, चप्पल पाप के उदय से जाती है, जाती ना। ऐसा हो सकता है कि किसी ने नमोकार मंत्र की माला फेरी, खूब ध्यान में लगा हो, बाहर उसके जूते ही चले जाए, चप्पल चली जाए, जा सकती ना, चली जाती है कई बार, तो वो पाप के उदय से गई। तो यदि सब पाप का नाश हो जाए तो फिर पाप बचेंगे ना, वो तो 1 सेकंड बाद ही बाहर चला गया, 1 सेकंड में तो उसने कुछ किया ही नहीं पाप, फिर उसके पाप का उदय कैसे आया? इसका मतलब है कि पाप नष्ट तो नहीं हुए, भूतकाल के सारे पाप नष्ट नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि यदि पाप नष्ट हो जाते तो जो खुद पंच परमेष्ठी है उनके तो पाप नष्ट हो ही जाने चाहिए ना। समझ लो हम ये कह रहे हैं कि नमोकार मंत्र का जाप करने से क्या हो जाए, पापों का नाश हो जाता है, तो जिनका जाप कर रहे हैं उनके खुद के तो पाप नष्ट हो ही गए होंगे, उन्होंने खुद, वो तो खुद ही थे पंच परमेष्ठी, तो खुद ही पंच परमेष्ठी के पाप का उदय हो सकता है क्या? मतलब मेरा नाम लेने से तो पाप नष्ट हो जाए और मैं खुद के ही मेरे पाप नष्ट, ऐसा संभव है? यदि नाम लेने से पाप नष्ट होंगे तो जिसका नाम ले रहे हैं उसके अंदर तो पाप, उसके तो पाप का नष्ट, उसके तो सब पाप नाश हो ही जाना चाहिए ना। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, अनंत सिद्ध के तो चलो कोई पाप का उदय नहीं, लेकिन आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के पाप का उदय आता ही आता। ऐसा उनके आता होगा जिनकी की कोई जो सच्चे साधु नहीं हो, जिनके सच्चे साधु की बात कर रहे हैं, सच्चे साधु ही नहीं जो साधु के बाद में अनंत बनने वाले हैं, और अनंत नहीं बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनके भी पाप का उदय आ सकता है। आया था, किसके आया था? पार्श्वनाथ भगवान के। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमट ने पत्थर बरसाए थे, ओले बरसाए थे, पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? यदि पुण्य के उदय से तो अभी बरसाए थे आपके ऊपर, पाप का उदय था ना, तो उनके पाप का उदय आया, इसका मतलब पाप उनके भी नष्ट नहीं हुए। जब उनके खुद के पाप नष्ट नहीं हुए तो उनके नाम लेने वालों के पाप कैसे नष्ट हुए?
ऐसा है तो कल से बंद कर दें, ये नहीं कह रहे पूरी बात सुनना देखना। इसका मतलब ये है केवल कि ये भूतकाल के सभी पापों को नष्ट कर देता हो, सो ऐसी बात नहीं है। सभी पापों भूतकाल के, क्योंकि यदि ऐसा होता कि भूतकाल के सभी पापों को नष्ट कर देते यदि उनका नाम लेने से ही, तो फिर हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं होती, संसार में कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं देखते, परेशानी तो फिर भी आती है। तो फिर ये कहा तो है सब पापों का नाश करता है, तो इसका क्या अर्थ है? तो सबका मतलब क्या है? सबका मतलब है पांच। पाप कितने होते हैं? पांच, हिंसा, झूठ, चोरी, दुष्टता। तो इन पांच पापों का नाश करता है। तो भी पांच पापों का नाश करता है तो भूत के पापों का नाश करता है क्या? तो कहते हैं पांच पापों का नाश करता है का मतलब है कि पांच पापों का वर्तमान में नाश करता है। कैसे नाश करता है? जितने काल तक हम नमो का मंत्र का जाप करते हैं उतने काल हम हिंसा कर रहे होते, हम हिंसा कर रहे हैं क्या? जब नमो का मंत्र का पाठ पढ़ रहे हैं तब हिंसा नहीं कर रहे, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कुशील सेवन कर रहे हैं, परिस्थिति सेवन कर रहे हैं, परिग्रह जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे उस समय तो नहीं कर रहे ना। ईमानदारी से नमोकार मंत्र की जाप जप रहा है उसकी कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि वो माला जप रहा और ये ध्यान दे किस किस से कितने कितने लेने हैं अपने को, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये भी हो सकता है कि ये नमोकार मंत्र की माला जपे और नौ ग्राहकों के नाम याद आ जाए, इससे इतने लेने, इससे इतने लेने, इससे इतने लेने, ये नौ तो ये हो गए। क्या सुनील जी, कागज पे लिख लो उससे अच्छा, क्योंकि अपन नहीं तो याद आएगा, आएगा कितना रहेगा। इसलिए जो है अपन जब नमोकार मंत्र की जाप दे रहे हैं ईमानदारी से, अपन समझ लो धंधे पानी में अपना उपयोग नहीं जा रहा है, तो उतने समय तो अपन परिग्रह का विकल्प नहीं कर रहे, चोरी भी नहीं कर रहे, झूठ बोलने का ही भाव नहीं, हिंसा का ही भाव नहीं, उतने समय के लिए अपने कोई पाप नहीं है। तो वो वर्तमान के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पापों का नाश करता है। वर्तमान में पाप भाव नहीं होते इसलिए पाप बंद नहीं होता, इसलिए वो कहा है कि ये सब पापों का नाश करता है, ये भूत के पापों का नाश करता है। और भविष्य के पापों का कैसे नाश करेगा? भविष्य के तो अभी बांधे ही नहीं है, तो जो है ही नहीं उसका नाश कैसे करेगा? क्या समझ में? जो जो पैदा ही नहीं हुआ उसका कौन नाश करेगा? पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाए कि साहब इनकी रिपोर्ट लिखो, इन्होंने मर्डर किया। किसके मर्डर किया? कि इन्होंने मेरे होने वाले बच्चे का मर्डर कर दिया। तो पुलिस वाला कहेगा यहाँ नहीं, तेरे को वहाँ जाना चाहिए, कहाँ बाढ़ लग गया। क्यों? क्योंकि जो है ही नहीं उसका मर्डर और उसकी रिपोर्ट, तो जो पाप है ही नहीं, अभी पाप किए ही नहीं है, उसका नाश कैसे होएगा? उसका नाश तो तब हो जब वो हो ही नहीं, उसका नाश कैसे किया जा सकता? इसलिए न तो ये भविष्य के पापों का नाश करता है न भूत के। ये तो जितने काल हम नमो का मंत्र का पाठ पढ़ते हैं उतने काल के लिए सब पापों का नाश करता है। समझ में आ रही बात? और सब मंगलों में पहला मंगल है, सब मंगल में पहला मंगल में, सारे मांगलिक कार्यों में, सभी चीज़ों में, सब अच्छे अच्छे धार्मिक कार्यों में, सब में इसको सबसे पहले अपन याद करते हैं, करते हैं और किसी को नहीं याद करते, सबसे पहले मंगल इसको याद करते हैं। और यही कारण है कि ये सबसे पहला मंगल है, सबसे बड़ा मंत्र है, माने इसकी महानता सर्वविदित है। अब अपन एक दूसरा प्रश्न है कि ये तो सबको मालूम है कि सबसे बड़ा मंत्र है, लेकिन ये सबसे बड़ा हुआ कैसे, किस कारण से सबसे बड़ा मंत्र है? इसको पढ़ते समय सब पाप नहीं लगते इसी कारण? मैं कहता हूँ इसको ही पढ़ते समय क्या हम और भी कोई काम कर रहे हो, धर्म का कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उस समय भी हम पाप कर रहे होते हैं क्या? अभी अपन यहाँ बैठे हैं भले नमोकार मंत्र की जाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या अपन यहाँ बैठे बैठे हिंसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कुशील पड़ी रहे, कोई पाप कर रहे हैं? नहीं। तो जब पांच इंद्रिय के विषय भोग भोग रहे हैं, या टीवी चल रही है, गाना बज रहा है, कोई यहाँ खाना पीना हो रहा है, कोई सुगंध सूंघ रहा है, अच्छी कोई ठंड एसी तो लगा नहीं रखा अपन, क्या? तो यहाँ पांच इंद्रिय के विषय भोग भी नहीं हो रहे, कषाय बढ़ रही है अपनी यहाँ पे आके, खूब क्रोध कर रहे हैं यहाँ मान माया लोभ नहीं। अच्छा चंचल मन भी हो अपना तो यहाँ आके क्या होता है? एकाग्र हो जाता है। तो इसलिए तो धर्म के सारे अनुष्ठानों में न पाप होता है, न कषाय होती है, न पंचेंद्रिय के विषय भोग होते हैं और न ही मन अपना चंचल रहता।
तो भी ऐसी क्या विशेषता है कि जिसके कारण से नमोकार मंत्र को इतना महान और इतना आदर दिया गया है? तो ये इतना नंबर वन मंत्र कैसे बन गया ये? तो इस नंबर वन मंत्र बनने का इसका क्या कारण है? क्या कारण है बता सकते? अनादिकाल से एक तो आंसर ये, और दूसरा अनादि निधन मंत्र। ये कहा जाता है इसके बारे में कि ये मंत्र क्या है? अनादि निधन है। अनादि निधन है मतलब ये मंत्र अनादिकाल से चला रहा है और अनंत काल तक चलता है, क्योंकि पंच परमेष्टि अनादिकाल से होते आए हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। संसार अनादि से है तो संसार से निकलने वाले जीव भी अनादिकाल से, अनंत काल तक रहेगा तो संसार से निकलने वाले जीव भी अनंत काल तक रहेंगे। पंच परमेष्टि सदा से होते आए हैं इसलिए उनको नमस्कार भी सदा से होता आया, और पंच परमेष्टि होते रहेंगे इसलिए उनको नमस्कार भी हमेशा होता रहेगा। इसलिए मंत्र तो ये अनादि का है, एक बात तो ये होगी, भले ही ये अनादि का है लेकिन इसकी इसकी रचना हुई कि नहीं हुई, ये लिखा गया कि नहीं लिखा गया, कि ये पहले से ही लिखा हुआ, ये बिना लिखा हुआ ही था, ये लिखा गया नया लिखा गया, कब लिखा गया ये? ये मैंने बताया था ना, षटखंडागम ग्रंथ जब लिखा गया था तो षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में ये मंत्र लिखा गया था, इसलिए इसकी रचना तो नहीं हुई है लेकिन इसका भाव अनादि का है। भले ही ये उस भाषा में आज लिखा गया हो लेकिन पंच परमेष्टियों को नमस्कार अनादिकाल से होता आया है और होता रहेगा। जैसे समझ लो कोई इसको इंग्लिश में लिख दे तो इंग्लिश में नया लिखा गया है लेकिन उसका भाव तो पुराना ही है ना, ऐसे इस मंत्र का भाव अनादिकाल का है। रचना इसकी भले ही नहीं हुई हो, रचना आज से लगभग इसकी 2000 साल पहले प्राकृत भाषा में षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में हुई है, लेकिन फिर भी उत्तर से ये महान नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि अनादिकाल से, 10 धर्म भी अनादिकाल से, उनका भी एक माला फैल लो भाई। इस मंत्र में एक बहुत बड़ी चीज है एक्चुअल, क्या है कि इस मंत्र में हमने जिसको नमस्कार किया है वो महान है, और दूसरी बात इस मंत्र में हमने कुछ भी मांगा नहीं है, और दुनिया के जितने मंत्र हैं उसमें कुछ ना कुछ मांग की जाती है, जैसे ओम रीम अरहम असी आउसा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तो भले अपने लिए नहीं सही लेकिन दूसरे जीवों के लिए सही, मांग तो की गई है ना, काय की मांग की? सबके लिए शांति करो शांति करो शांति करो, सबके लिए शांति हो शांति हो शांति, शांति की डिमांड की कि नहीं की? शांति अपने अंतर में शांति की, भले मांग मांग तो की है ना, डिमांड तो आपने की, और इस नमोकार मंत्र में कोई डिमांड नहीं है। अपन ने मांगा कुछ, हे अनंत भगवान सद भगवान आचार्य उपाध्याय सर्व साधु मेरे को कुछ देना, मैं आप कुछ मेरे को दोगे, मैं इसलिए आपको नमस्कार कर रहा हूँ, फ्री पॉकेट में नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से कुछ मांग नहीं है इसमें, बिल्कुल विशुद्ध भावना से अपन ने अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को नमस्कार, और हमने कुछ मांगा नहीं है, इसलिए ये मंत्र सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि मांगना सबसे बुरा माना जाता है, सबसे खोटा काम है मांगना। जो आदमी भीख मांगता है उसको दुनिया में सबसे हीन पुरुष माना जाता है। अपनी तो संस्कृति ऐसी है हिंदुस्तान की कि इसमें मांगा अच्छा नहीं माना, मांगना अच्छा नहीं माना जाता, जिसने मांगा माने उसने अपना सब स्वाभिमान खो दिया। अरे इस देश की धरती पे एक मुसलमान कवि हुआ, उस मुसलमान कवि ने बात लिखी है कि रही मन वे नर मर गए जे नर मांगत जाए। रहीम दास जी कहता है कि वो आदमी मरे हुए के समान है, कौन? जो मांगने जाता है। जब एक मुसलमान कवि ऐसी बात कहे कि वो नर मरे हुए के समान है जो मांगने जाते हैं, तो हम तो जैन हैं, फिर जैनियों का वो मंत्र सबसे बड़ा क्यों नहीं होगा जिसमें किसी प्रकार की कोई भी मांग नहीं, मांग नो डिमांड, हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, तो चाहिए कुछ नहीं तो फिर नमस्कार क्यों करना? लोग में तो कोई आदमी बिना काम के करता नहीं, अपन करते हैं किसी को ढोक देते तो क्यों देते, नहीं देंगे तो अपनी खबर ले लेंगे, तो लोग में तो हम कोई भी काम बिना प्रयोजन के नहीं करते, प्रयोजन से ही करते हैं,
तो हम पंचवृष्टि को नमस्कार क्यों करते हैं? मांगा तो कुछ है ही नहीं। अपने को उनसे कुछ मांग नहीं करना है, अपन तो ये चाहते हैं कि हम भी उनके जैसा बने, उन जैसा बनने के कारण शरण उनकी आए। अपन बोलते ना पूजा में, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आए। हे प्रभु, मैं आपके जैसा बनने के लिए आपकी शरण में आया हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या मांगू आपसे? यदि मांग क्या, और मांगने के नाम पे मांगे क्या, क्या मांगे हम? साहब हमारे को पैसा दे दो। तो पैसा आपके पास में होवे तो आपसे मांगे, आपके पास है क्या पैसा? पैसे का तो आप खुद ही त्याग करा है क्या? और पैसे को तो आपने परिग्रह कहा ना, और परिग्रह को तो आपने क्या कहा, पुण्य कहा कि पाप का, पाप का। तो हम आपसे पाप मांगे, आप तो कह रहे हो कि ये पाप है, और हम कह रहे हैं कि वो तो होगा, आपने जो कही वो तो आपकी बात है, तो लेकिन आप तो मेरे को तो पाप ही दे दो। मैंने ऐसी बात है कि मैं क्यों बेटा, ये जहर है क्या? पिताजी ठीक है, वो तो आपकी बात, जहर वहर तो ठीक है, लेकिन मेरे को तो आप एक बोतल दे दो। जैसे कह रहे ना जहर है, नहीं वो तो ठीक है सब जहर, तो मतलब तो हमारी बात समझा का, यदि तेने समझा है कि जहर है तो तू हमसे मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा। जैसे हम कह, हमने जीवन भर ये उपदेश दिया, कहेगा कि ये पाप है, और तू हमसे क्या मांगने आया, पाप। और चलो हम दे भी देते तेरे को पाप, लेकिन हमारे पास होता तो देते, हमने तो पहले इस पाप को छोड़ दिया। तो जिस परिग्रह को हम स्वयं छोड़ के आ चुके हैं, और जिस परिग्रह को हमने दुख का कारण बताया, तू हमसे वही चीज मांगने आया। मैंने हम कह रहे हैं पाप, और ये कह रहे हैं हमको वही दे, और हमारे पास है का जो हम दे दे, हमने तो पहले उस परिग्रह को दुख का कारण जान के छोड़ दी। ये तो उल्टी बात हुई ना कि नहीं साहब हम तो परिग्रह नहीं, परिग्रह तो चलो पाप, बच्चा हमारे बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए हम महावीर जी जाते हैं हर साल, जिस दिन हो जाएगा उस दिन बंद कर देंगे। क्या लोग करते हैं ऐसा? महावीर जी जाते ना, तो महावीर जी जाने के बाद में वहाँ ये कामना करते हैं महावीर जी जाने से अपने बाल बच्चे जाते। तो मैंने कहा एक बात को बताओ कि महावीर जी ने खुद ने भी करे कि नहीं करे? जिनसे तुम मांग रहे हो बाल बच्चे, उनने खुद ने तो किए ही नहीं, और ये उनसे मांग रहे हैं। मैंने तो ऐसी बात हुई कि जिस आदमी ने जिस काम को गलत समझा हो, और उससे हम ये कह रहे हैं कि आप हमको ये काम करने की प्रेरणा दो। अरे यदि वो महावीर भगवान यदि इस काम को अच्छा मानते होते तो कम से कम विवाह तो रचते, उनने शादी की क्या? तो तुम यही मांगने आ रहे हो। अरे जिसने खुद ने शादी नहीं की उससे क्या कह रहे हो? ऐसा आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से दो चार तो हो ही जाए। क्या मांग रहे हो तुम, किससे मांग रहे हो? पहले सोचो तो सही। जो स्वयं ब्रह्मचारी है, ये तो पक्का है ना, बाल ब्रह्मचारी है, तो बाल ब्रह्मचारी से बच्चे मांगना ये न्याय है कि अन्याय है? अन्याय है। और वो भी मांगते भी कैसे हैं? वो भी बड़ी स्टाइल में, ऐसा नहीं ऐसे ही, हे भगवान मैं आपके छतर चढ़ा रहा हूं, छतर, और मैं आपको ये 21 रुपए का छतर चढ़ा, और मेरे आपको जो है ये काम कर देना। तो अब क्या है देखो, कई लोग मांगते ना, जैसे अन्य मतावलंबियों में कि मेरा आज कोर्ट के अंदर केस है, तो ये केस यदि मैं जीत गया तो मैं तेरे 1000 रुपए की बोली लगाऊंगा ना, 1000 रुपए तेरे को चढ़ाऊंगा। अब केस कितने का है? 1 लाख रुपए का कम से कम, लाख तो कम है, मकान का केस होता है तो 10 लाख का केस होता है, 10-20 लाख से कम का केस नहीं है। तो 10 लाख का केस है, और चढ़ाया कितने? 1000 रुपए, और वो भी कब? पहले जीत जाएगा तब, पहले नहीं, पहले चढ़ा दो तो 1000 और चले गए। जीत जाऊंगा तब। अगर ये डॉक्टर के जाए समझ लो कोई आदमी, डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, दवाई वही तो आपने जो भी बताई वो सब ठीक है, लेकिन जब मेरा इलाज विलाज बढ़िया फर्स्ट क्लास हो जाऊंगा तब मैं आपको फीस दूंगा, अभी नहीं। डॉक्टर गेट आउट, भागो यहाँ से, तेरे को देख लिया ये गलती करी क्या, कल से यहाँ आना ही मत। तो डॉक्टर को तो अपन डॉक्टर पहले ही फीस डरवा लेता है। कितने डॉक्टर ऐसे होते हैं जो रिसेप्शनिस्ट पे जाओ ना,
तो वो अच्छा आपका अपॉइंटमेंट है 100 रुपये, 100 रुपये पहले रख लिया आपने, फिर बैठो भाग, आप अब भाग भी नहीं सकते क्योंकि 100 रुपये तो उसने पहले लगवा ली है। अब वो आएगा 1 घंटे बाद अपना नंबर, तब तक बैठे रहो, फिर बैठे रहने के बाद में वो करेगा, तो फिर उसने देखा हाथ वाथ जैसे भी, नहीं आपको कोई तकलीफ नहीं, सब आप ठीक ठाक है, सब बढ़िया, अच्छा ठीक है, तो फिर वो अंदर 100 रुपये मिल जाएंगे। नहीं वो तो गए आपके, मैंने आपको 15 मिनट टाइम दिया, 15 मिनट मैंने आपको जो टाइम दिया है उसके 100 रुपये लग गए। तो लोग में तो आपको कुछ भी नहीं हो तो भी आपको पहले चीज देना पड़ता है, तो भगवान को तो इसने ऐसा समझ रखा है कि बिल्कुल कोई चीज़ ही नहीं है, भगवान पहले मेरा काम हो जाए, वो भी मेरा 1 लाख का काम हो, तो मैं आपको 1000 रुपये जैसे रिश्वत के रूप में होता ना, वो उसको तेरे को भी दे दूँगा, चल बाबू को चल तेरे को भी दे दूँगा, ऐसी इमेज कर रखी भगवान की लोगों ने, कर रखी कि नहीं कर रखी। छत चढ़ाते कितने का छत चढ़ाते, 11 रुपये का, वो 11 रुपये भी किसको मिलते हैं, वो तो कमेटी को, कमेटी के जितने भी मनोकामना वाले हैं वो सब हमारे ऑफिस से छत ले जाए, तो तुम अपनी खुद की मनोकामना पूरी कर लो ना। नहीं चलता रहता है सर, हिंदुओं ने देखा कि पंडित लोगों ने देखा कि यार ये आय का बहुत बढ़िया जरिया है, दुनिया में बहुत भिखारी लोग हैं, कोई को काय की भीख है, कोई को बच्चे चाहिए, तो कोई को पैसा चाहिए, कोई को कोर्ट में केस जीतना है, क्या कोई की बीमारी ठीक करना है, तो वो आते भगवान के पास, उनके भगवान का डिपार्टमेंट भी यही है उन भगवान का, कि वो किसी के रोग दूर कर रहे हैं, किसी का ये कर रहे हैं, किसी का वो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार ये बहुत बढ़िया कमाई का साधन है, इससे बढ़िया कोई इनकम का साधन नहीं, आओ यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है, अब होती कि नहीं होती ये लोग जाने, लेकिन सब 11-11 रुपये में छत्र जी ले जाओ, और छत्र जी क्या है, हमारे ऑफिस से रसीद कटाओ 11 रुपये का छत्र, वो चढ़ा, वो तो चढ़ा के चला गया, वो छत्र वापिस, कितना बढ़िया आय का जरिया है ये सब, फर्स्ट क्लास, क्या पंडो ने इससे बढ़िया आय का जरिया नहीं करा, तो पंडो के देखा लेकिन जेनियों ने कहा अरे यार इनके मंदिर में इतना पैसा आता है, अपने अभी आना चाहिए, तो वो अपने अभी क्या करे, ये जो क्षेत्र है अतिशय क्षेत्र, काय का अतिशय, कल यहाँ पे एक सांप दिखा था वो अतिशय क्षेत्र, तो मैंने कहा एक जने ने मेरे को कहा कि अतिशय क्षेत्र, मैंने कहा ऐसे, बोले सांप दिखता है, मैंने कहा मेरे घर में भी 2-3 बार सांप निकल गया, मेरा मकान भी अतिशय क्षेत्र होता, वो भी अतिशय क्षेत्र, इससे क्या अतिशय है, एक नई सांप, यहाँ अतिशय क्षेत्र है क्यों, क्योंकि यहाँ आने वालों की मनोकामना पूरी होती है, फिर बाहर बोर्ड लग जाएगा, यहाँ आने वालों की मनोकामना पूरी होती है, और अब यहाँ पे सब 11-11, 21 रुपये का छत चढ़ाओ और मानता मानो, और फिर छत चढ़ाने के बाद काम हो जाए तो 101-2000 रुपये। नहीं भैया भगवान का ये कुछ भी स्वरूप नहीं है, ये सब हिंदुओं के अंदर चक्कर है, अपने यहाँ तो कुछ मांगा ही नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि हम किन से मांगे, अरे जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया उनसे हम क्या मांगे, उन्होंने तो खुद ने कहा कि परिग्रह पाप है, दुख है, दुख का कारण है, परिग्रह चिंता है, दुख है, उनसे हम परिग्रह कैसे मांग सकते हैं, महावीर भगवान ने स्वयं ने विवाह नहीं किया, उनसे हम बाल बच्चे कैसे मांग सकते हैं, उपासना भगवान के पास जाते लोग, पालसना मेरे बहुत दिन से बीमारी है, सब बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, अब मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तू ही मेरा सब कुछ करने वाला है, दुखी दुख हरता, सुखी सुख करता, सदा से इसलिए तू ही है अब मेरी शरण, तो मेरा रोग तू ही दूर करेगा। तो अब उसको कहते हैं कि भैया ये बताओ, ये जो पार्श्वनाथ भगवान थे ना, इनके ऊपर जो पत्थर बरस रहे थे, तब इन्होंने अपना रोग मतलब अपने पत्थर को दूर किया क्या है, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पत्थर बरसाए ना कमट ने, तो सबको मालूम होगा, तो कमट ने पत्थर बरसाए, आग जलाई आसपास, खूब पानी ढोला, सब उपसर्ग किए, लेकिन क्या उन्होंने अपने उपसर्ग को दूर करने का लक्ष्य मात्र भी प्रयास किया, उन्होंने देखा हाँ देख लूंगा मैं भी तुमको, ऐसा किया उन्होंने, अरे वो उन्होंने उसकी आँख तक उठा के नहीं देखा उसकी तरफ, क्योंकि कमट की ताकत क्या थी, यदि वो आँख भी उठा लेते ना तो वो कमट फटाक से भाग जाता, क्योंकि तीर्थंकर के सामने सामान्य देव थे वो तो, लेकिन आँख तक उठा के नहीं देखा, तो जिन्होंने अपने उपसर्ग की परवाह नहीं की वो अब भक्तों के उपसर्गों को दूर करेंगे, मैंने हमारा खुद का तो रोग हम दूर नहीं करें और आपकी बीमारी हम आपके रोग को दूर करें, तो ये तो न्याय नहीं हुआ ना, यदि रोग सचमुच दुख का कारण है तो हम अपने दुख को दूर करेंगे, दूसरे का दुख तो बाद में दूर करेंगे, आदमी पहले दवाई लेगा खुद की कि दूसरे की दवाई लेगा, स्वयं की लेगा,
जो पार्श्व भगवान ने स्वयं के तो उपसर्ग दूर ही नहीं किए और भक्तों के उपसर्ग दूर करेंगे, रोग दूर करेंगे। अरे उन्होंने तो ये उपदेश दिया कि भैया असली रोग ये रोग ही नहीं है, ये पत्थर बरसा रहा ये रोग नहीं है, इसके प्रति यदि कषाय उत्पन्न हो जाए तो वो सबसे बड़ा रोग, रोग इसका नहीं है, ये शरीर में जो रोग हुआ है ये रोग ही नहीं है, इस शरीर के प्रति का जो राग है प्रेम है वो असली रोग है। असली रोग तो मोह राग द्वेष है, हम उस रोग को दूर करने लगे हुए हैं। तो तू भी हमारे पास आया है तो उस रोग को दूर करने की दवाई ले, ये इस रोग को दूर करने की क्या चिंता करता है, क्या हम क्या चीज है तो समझ, तू हमसे क्या चीजें मांगने आया है। तो भिखारी आदमी को राजा ने थोड़ी सी कृपा होकर उसको बुलाया कि इसको बुलाओ जरा, बेचारा इतना भीख मांगता रहता है, बुलवाया उसको, हाथ जोड़ जोड़ के कांपता हुआ खड़ा हो, महाराज क्या दंड हो, क्या अपराध हो गया। अपराध अपराध कुछ नहीं, तुम इतने परेशानी में हो, बताओ तुमको क्या क्या चाहिए। अच्छा आप मेरे को दे दोगे जो आप मांग, हाँ दे देंगे तेरे को, बहुत क्या चाहिए, जो चीज चाहिए तेरे को दे देंगे। सोचने लग गया क्या, अरे साहब मेरा जो कपड़ा है ना बहुत फट गया, बहुत दिनों से मेरी पत्नी ने भी नहीं सिला, बहुत बार कहा उसको, पत्नी से भी सिलाता नहीं, बार बार फट जाता, तो मेरा एक कपड़ा सिलवा दो आप। क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहा है। अच्छा एक काम और करो कि मेरे शाम की आज रोटी की व्यवस्था करा दो, एक काम और करो मेरा जो छत्तर है वो छपरा जो है वो पानी बहुत गिरता है तो छपरा थोड़ा ठीक करा दो। कि इसकी मांगने की अकल भी नहीं है, क्यों मांगना था तो क्या मांगना था, मेरे को आपके जैसा बना दो, ये मांगता तो समझ में आता कि इसमें मांगने की भी अकल है। ये तो कितनी छोटी छोटी चीजें मांग रही है, मेरी शाम की रोटी कर दो, न कपड़ा फट गया है तो सिला दो, न है छपड़ा फट रहा है उसमें पानी निकल रहा है तो पानी निकाल दो, तो तुम क्या मांग रहे हो। त्रिलोकी नाथ के सामने तुम मांगने क्या आए हो, इस भाव की छोटी छोटी चीजें मांगने आए हो जिनकी कोई जिनमें कोई दम नहीं है। तुमको मांगना हो तो मांगो कि मेरे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, अष्टकर्मों का नाश हो, मोक्ष फल की प्राप्ति हो, क्या अक्षय पद की प्राप्ति हो। पूजा में बोलते कि बोलते पूजा में तो वो बोलते हैं और मांगते हैं, भिखारी जैसी चीजें छोटी छोटी चीजें, इस बार बिजनेस सही नहीं चल रहा, दुकान ठीक नहीं चल रही, हे भगवान मैंने चांदी इतने भाव खरीद लिए, कब होएगा वो चांदी का भाव, भगवान चांदी के भाव ही बढ़ाते रहे तेरे बैठे बैठे हैं। और एक क्रिया भगवान ने चांदी बहुत बेच दी है, और चांदी बेच दी कम हो जाए, अब क्या करें भगवान बताओ, एक की बढ़ाए कि घटाए, किन किन किस्म के भक्त सब तरह के आते हैं। एक कहता है मैंने दो नंबर पे दाव लगाया है, एक नंबर, एक कहता है मैंने चार नंबर पे लगाया है, सारे सटोरी आते हैं। अब भगवान किस किस के नंबर को लगवाएं और सबके लगवा देंगे तो क्या होएगा भगवान का भी बताओ। तो इसलिए ना भगवान से ये चीज़ें मांगी जा सकती है, और ये मांगना माँ मतलब माँ मूर्खता है। जिस आदमी ने जिन चीज़ों के त्याग का उपदेश दिया उसी आदमी से वही चीज़ें मांगना ये उसका मजाक है, उसका उपहास है कि उसका सम्मान है, उसका उपहास है मजाक है उसके प्रति। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अपना मध्य प्रदेश बहुत महान राज्य है ये, तो इसमें जो है बहुत सारी छुट्टियाँ होती हैं, घासीदास फलाना दास वाल्मीकि और कौन कौन से दास होते हैं जो भी है तमाम दुनिया भर। तो एक आदमी हुआ, उस आदमी ने कहा कि छुट्टियाँ बहुत होती है, छुट्टियाँ थोड़ी कम होनी चाहिए क्योंकि लोग स्कूल नहीं जाते, ऑफिस बंद रहते हैं, काम काज नहीं होता है, तो काम कितने नुकसान होता है, तो इसलिए छुट्टियाँ थोड़ी कम करो, इफिशेंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, देश का फायदा होगा, पढ़ाई बढ़ेगी। तो उसने एक आंदोलन छेड़ा, और वो आंदोलन छेड़ा तो लोगों को थोड़ा पसंद आया कि हाँ वास्तव में बच्चों की छुट्टी खूब होती, पढ़ते तो है नहीं कुछ, पैसा तो सब खर्च हो जाता है, स्कूल वाले सब फीस तो लेते, पढ़ाते कुछ है ही, छुट्टियाँ कर देते, तो सब लोगों को बात पसंद आई माँ बाप को, तो उसको जो है लोगों ने बहुत उसकी बात को बहुत वेटेज दिया, तो उसकी बात का वेटेज देने से क्या हुआ, लोगों ने उसको बुलाने लगे जगह जगह अपने प्रोग्राम वगैरह में, और उससे भाषण दिलवाने लग गए, और सचमुच जो है गवर्नमेंट ने कुछ छुट्टियाँ कम भी कर दी, छुट्टियाँ कम हुई तो लोगों को दिखा, उसका असर भी दिखा, रिजल्ट अच्छा आया, लोगों की कार्य क्षमता बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, अब जगह जगह जो है ऑफिस में काम मिलने लगा, छुट्टियाँ कम लगी, काम अच्छा हो गया, तो उसकी खूब तारीफ होगी, बढ़िया एकदम, और इतना नाम हो गया उसका कि सब जगह बुलाने लग गए लोग उसको। तो एक बार उसको एक जगह भाषण के लिए बुला रहे थे, आम सभा देने के, आम सभा में भाषण देने के,
भाषण देने के लिए वो जा रहा था और थोड़ा लेट हो गया, तो उसको कहा कि भाई जल्दी आओ, लेट हो रहे हो आप। तो बहुत तेज़ी से उसकी गाड़ी दौड़ रही थी। अब क्या हुआ, एकदम गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो स्पॉट पे वहाँ चल बसा। अब जैसे ही चल बसा तो वहाँ सभा थी हजारों लोगों की, सभा में मंत्री वंत्री भी आए थे सब। तो खबर पहुँची वहाँ पर कि भैया वो फलाने व्यक्ति का तो रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो। अब वो जो है मंत्री को पता चला रोड एक्सीडेंट में मृत्यु, क्या हुआ क्या हुआ, मत मर गया मर गया। अब मंत्री ने जो फटाक से जाके और जो है माइक पर घोषणा करी कि उस व्यक्ति के मरने पे मैं आज की छुट्टी दे। अब मंत्री तो मूर्ख, उसको मालूम तो कुछ था नहीं, तो लोगों को गुस्सा आया, लोग चिल्लाने लग गए। तो मंत्री को लगा कि मैंने शायद छुट्टी उट्टी कम डिक्लेयर करी, इतनी हजारों की जनता और मैंने एक ही दिन की छुट्टी आज की डिक्लेयर करी। फटाक से उसने कहा आज की नहीं, हर साल आज के दिन छुट्टी रहेगी, और हर साल न केवल छुट्टी रहेगी अभी तो सारे स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे। लोग आया ताओ, लोगों ने चप्पल जूते मारना उसके चालू कर दी। अब वो उसको तो कुछ समझ में नहीं आई, मंत्री को तो लोगों ने बचा बुचू के ले गए, और मंत्री को बचा के ले गए। तो मंत्री ने कहा, लोगों ने कहा कि साहब, मतलब जो आसपास के लोग थे, कहा कि मंत्री जी कल सम्मान करेंगे आपका, और कल जो है आप इस आदमी का भी आप अच्छे से हार फूल माला पहना के सम्मान करना, अच्छी एक मूर्ति उर्ति का आप तस्वीर पे फूल माला। अब नई दुनिया वाले ने उसका एडवर्टाइज दिया कि भैया ये जो मंत्री था इसको मंत्री बनाया कैसे, और फिर लोगों ने कहा कि तो शिक्षा मंत्री है, तो बोले शिक्षा मंत्री है, उस शिक्षा मंत्री को इतनी शिक्षा नहीं है क्या, किस चीज़ के लिए क्या छुट्टी करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर छुट्टियों का विरोध किया उसी के नाम पर इसने छुट्टी डिक्लेयर कर दी। तो अब वो उसने कार्टून दिया एक नई दुनिया वाले कि ये जो है शिक्षा मंत्री उस व्यक्ति की तस्वीर पे हार माला चढ़ाने गया। तो जब हार माला चढ़ाने गया तो वो आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो मर गया, वो होता तो आज विरोध करता। तो उसने कार्टून में क्या किया कि उस आदमी को तस्वीर में से बाहर निकाला, कार्टून में तो निकाल सकते ना, ऐसा दिखाया कि वो कार्टून में से उस तस्वीर में से बाहर निकला और उसने उस नेता की माला छीनी और छीन के नेता को एक जोर से चाटा लगाया। मूर्ख तू कर क्या रहा है, ये तो सोच, जिस चीज का मैंने जिंदगी भर विरोध किया वो तू मेरे ही नाम पे वही काम कर रहा है, ये मैंने मेरा तूने सम्मान किया कि विरोध किया, बता क्या किया, सम्मान किया कि अपमान किया, महा अपमान किया। मैंने जिस काम का मना किया कम से कम आज के दिन वो काम नहीं करना चाहिए था, बल्कि और एक आध छुट्टी कम करता तो मेरा सम्मान होता, तूने मेरे नाम पर छुट्टी करके मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान किया। ऐसे भगवान जिनेंद्र, अब वो तो आ नहीं सकते यहाँ पे, यदि वो आते होते तो तुम सबको बताते कि क्या कर रहे हो तुम मेरे नाम पर। लेकिन वो वहाँ बैठे बैठे सचमुच यदि यहाँ आज यदि वो मतलब यहाँ आते होते तो क्या करते, वो ये देखते कि मेरे नाम पर इन जैनियों ने क्या क्या नाम क्या क्या काम कर रखे हैं। लेकिन वो तो वास्तव में वीतरागी है, इसलिए वीतरागी भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनके नाम पे हिंसा करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो जो काम जिनको वो पाप बता के गए हैं उन्हीं पापों को उन्हीं भगवान से मांगना ये उनका सम्मान नहीं है, वास्तव में उनका अपमान। नहीं समझते लोग, महावीर जी भीड़ लगी रहती है, उल्टा साथिया सीधा साथिया जैसा साथिया जिस तरह से हो जाए, इधर से हो जाए उधर से हो जाए ये हो जाए क्या हो जाए, आगे साथिया पीछे साथिया, पत्थर ही नहीं मिलता कहीं भी जहाँ साथिया नहीं मिल रहा। जैसे वो भरत चक्रवर्ती गया था ना तो उसको पत्थर में नाम लिखने की जगह नहीं मिली, ऐसे इन क्षेत्रों पे साथिया बनने की जगह नहीं मिलती लोग। क्यों है ये सब, क्योंकि ऋषियों के भिखारी आते हैं वहाँ सारे के सारे, और क्या मांगते भगवान से, बच्चा दे दे, बीमारी ठीक कर दे, क्या पैसा दे दे। भगवान भी मतलब वो भगवान इन चीज़ों की वो भीख मांग रहे हैं, और जबकि क्या है मतलब भगवान जिनेंद्र से अपने को क्या मिल सकता है, भगवान जिनेंद्र से अपन उन जैसा बन सकते हैं। भगवान ने अपने को किस बात का उपदेश दिया, भगवान ने तो उन जैसा बनने का अपने को उपदेश दिया, मोक्ष मार्ग के अलावा भगवान ने हमें और कोई बात का उपदेश, हमें आना है उनके पास में तो हम उन जैसा बनने के लिए आए ना। लेकिन ये स्थिति तो ये है अपनी कि भगवान भी वही बोल रहा हिट है, कौन से देखो, शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, और शांति के करता के नाम पे नोट के
पार्षणा भगवान रोग उपसर्ग करता है और महावीर भगवान बच्चा लेने वाले, यही है ना। तीन भगवान है, तीन तीन कामों के लिए अलग अलग। तो ये क्यों है, इसका भी कारण है मालूम, कि यदि ये भगवान महावीर स्वामी के पास जाएगा और महावीर जी जाएगा, कम से कम एक बार भी यदि भगवान महावीर स्वामी की स्तुति पढ़ेगा तो उस स्तुति में बात आएगी बाल ब्रह्मचारी लखी तुमको, तो ये बात आएगी कि नहीं, कि आप तो बाल ब्रह्मचारी और मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ बच्चे। तो समझदार आदमी होएगा तो मांगना बंद कर देगा। ऐसे शांतिनाथ भगवान के पास जाएगा तो शांतिनाथ भगवान की स्तुति में ही आएगा, छह खंड की विभूति छोड़कर आपने छोड़े 14 रत्न नमो निधि, अरु छोड़े संग साथी, छोड़े ए कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लगा। जब उसमें बात आएगी तो उससे अपने आप आ जाएगा कि हे भगवान आपने तो ये सब चीज़ छोड़ी, क्यों छोड़ी आपने, क्योंकि आपको इसमें सुख दिखाई नहीं दिया और मेरे को इसमें सुख दिख रहा है, तो बुद्धि मेरी खराब है कि आपकी, किस लिए, आपको तो सुख नहीं दिखा इसमें, मेरे को दिख रहा है। अब इनमें से दो ही आदमी सही, दो में से एक ही सही हो सकता है, दोनों तो सही नहीं हो सकते। उसमें सुख है कि नहीं, यदि है तो आपने गलती करी और यदि नहीं है तो मैं आपसे ये चीज मांग के गलती कर रहा हूं। तो वो कम से कम जो भी समझदार होगा वो चीज मांगेगा नहीं, क्योंकि वो ये सोचेगा कि जो भगवान ने, जिन भगवान को स्वयं को इसमें सुख भाषित नहीं हुआ तो इन भगवान से ये चीज कैसे मांगी जा सकती है, और यदि इसमें सुख होता तो फिर भगवान इनको छोड़ के क्यों जाते क्या। ऐसे ही पार्षणा भगवान के पास में भेजा, कम से कम पार्षणा भगवान के पास जाएगा तो वहां आएगा कि कमट ने आपके ऊपर इतना उपसर्ग किया, लेकिन आपने अपने उपसर्ग की परवाह नहीं की। तो जब स्वयं आपने अपने उपसर्ग की परवाह नहीं की तो आप हमारे उपसर्ग की क्यों परवाह करोगे, आपने तो वो काम किया, तो जो काम आपने किया वही काम हमको करना चाहिए। आपने क्या काम किया, आप कमट के उपसर्ग के समय आप क्या कर रहे थे, आप अपने आत्मा के ध्यान में मगन थे, आपने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया, आपने उसके ऊपर उपयोग नहीं लगाया, आपने अपना उपयोग अपने निज आत्मा में लगाया, तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी अपना उपयोग अपने आत्मा में लगाना चाहिए, यही उसका उपाय। तो ये इसलिए अपन ने उन्होंने भगवान के पास भेजा और इसीलिए ये सब भगवान इतने फेमस है, क्या, क्योंकि वो अपने को शिक्षा देते हैं। शांतिनाथ भगवान परिग्रह के अभाव की शिक्षा देते हैं, महावीर भगवान ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं, पार्षणा भगवान रोग उपसर्ग की परवाह नहीं करने की चिंता की शिक्षा देते हैं। समझाए ना, वैसे तो 24 ही भगवान समान है, लेकिन अपनी बुद्धि में अपन ने किसी भगवान को बड़ा और किसी को छोटा मान रखा है। वैसे तो सबके सब वितरागी हैं, कोई भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आजकल तो क्या करो, भगवान में कोई से ज़्यादा लोग पसंद आने लगे, भाई भगवान ज़्यादा पसंद आते हैं, बाहुबली किसी को पार्श्वनाथ, किसी को शांतिनाथ। अभी एक जगह 24 तीर्थंकर विराजमान कर रहे थे तो वहाँ क्या हुआ कि बोली लगाई तो उसमें शांतिनाथ भगवान तो बहुत अच्छे भाव चले गए, पार्श्वनाथ भी अच्छे, महावीर भगवान भी, बाकी कोई बोली लेने की तैयार नहीं। तो लोगों से कहा कि ये बाकी के सब भगवान जिसको भी चाहिए 10-10 हज़ार में सब ले जाओ। तो उसमें भी क्या हुआ कि उसमें भी अनंतनाथ रही, तो अनंतनाथ रह गए, मतलब अनंतनाथ भगवान को कोई ले जाने वाला ही नहीं मिला। और पता चला कि शांतिनाथ भगवान की बोली दो बार लग गई गलती से, तो दो दो जनों ने ले ली और अनंतनाथ भगवान रह गए। अब 24 तो हो गए, लेकिन 24 में अनंतनाथ रह गए और शांतिनाथ डबल चले। तो डबल चला गया तो एक आदमी के पास गया, भैया तुमने ये तुमको शांतिनाथ भगवान चले गए गलती से, तुम अनंतनाथ भगवान ले लो। तो उसने मालूम क्या कहा, तुम मेरे को अनंतनाथ टिपाने आया हो, समझ क्या रखा है, भाई टिपाने नहीं आए हैं, अनंतनाथ भगवान रह गए कि नहीं, मैं तो नहीं ले सकता, मैंने शांतिनाथ भगवान की बोली ली है तो मैं शांतिनाथ भगवान ही विराजमान करूँगा और कोई भगवान नहीं ले सकता, मना कर गया। अब क्या करें, तो दूसरे के पास गए, भैया तू दे दे शांतिनाथ भगवान की जगह अनंतनाथ भगवान ले ले। नहीं मैं तो किसी हालत में नहीं देखूंगा, कि तेरे को क्या तकलीफ है, तेरे को इतना शांतिनाथ भगवान से इतना प्रेम क्यों है, बोले मेरे तो पिताजी का नाम शांतिलाल है। क्या, तो मैंने कहा भैया ये दोनों ही नहीं देने वाले, अब या तो एक 24 और विराजमान कर दो, क्या किया, इतनी अज्ञानता है। जबकि देखो ये सबके सब अभी वर्तमान में सिद्ध भगवान है
और 24 के 24 तीर्थंकरों में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए हम ये नमोकार मंत्र इसलिए महान मानते हैं। एक तो सबसे पहला रीज़न ये है कि इसमें कुछ मांगा नहीं गया। दूसरा एक रीज़न और है, आपको टाइम वो 5 मिनट का तो बता देता हूँ, नहीं तो अपन छोड़ देते, 5 मिनट बचे बस, वैसे टाइम हो गया बता दूँ। देखो ये नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया, क्योंकि व्यक्तियों के नाम पर बहुत झगड़े। देखो व्यक्तियों के नाम पर तो झगड़े, तभी तो शांतिनाथ चाहिए, अनंतनाथ नहीं चाहिए, क्योंकि शांतिनाथ का नाम चाहिए, अनंतनाथ नहीं चाहिए। पहले नाम हमको तीर्थंकरों में भी पर्टिकुलर नाम वाले तीर्थंकर चाहिए, दूसरे नाम वाले पसंद नहीं है, जबकि मूर्ति तो एक सी है, क्या अंतर है बता। लेकिन एक सी मूर्ति होने पे भी ये शांतिनाथ है, शांतिनाथ तो हमारे शांतिनाथ नाम वाले तीर्थंकर पसंद है, दूसरे नाम वाले नहीं। इसलिए नमोकार मंत्र में कोई नाम को नमस्कार नहीं किया। बताओ किसका नाम है? अनंत किसी का नाम है? सिद्ध किसी का नाम है? आचार्य उपाध्याय सरस्वत किसी का नाम नहीं? ये तो पद है, ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं, ये पद है। जो इन पदों पे होगा हम उसको नमस्कार करेंगे, या नाम वाम से कोई मतलब नहीं। हम किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं करते, हम तो जिसमें गुण होते हैं उसको नमस्कार करते हैं। जिसमें साधु के गुण होंगे उसको नमस्कार, जिसमें उपाध्याय के गुण होंगे उसको नमस्कार, जिसको आचार्य के गुण होंगे, अरहंत के गुण होंगे, सिद्ध के गुण होंगे उसको नमस्कार। हम तो गुणों के पुजारी है, हम व्यक्ति व्यक्ति के पुजारी रहेंगे। हम महावीर को नहीं पूछते, हम महावीर चूंकि अनंत है, अनंत के गुण है उसमें, सिद्ध के गुण है, इसलिए हम उनको पूछते। अब वो कौन से गुण हैं कि जिनके कारण हम अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को पूछते हैं, तो उन गुणों की चर्चा अपन अगली क्लास में करें, आज की क्लास में।